ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली जो है ये कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली का नाम कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? तो केरल में हुआ था मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास। अगला प्रश्न है हमारा, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य का नाम कथकली है। कथकली जो है ये केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो उत्तरी भारत की नृत्य शैली कथक है। कथक जो है उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है हमारा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध जो है ये कथकली से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम जो है ये सादिर है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिर है। सादिर जो है ये भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो कथकली को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है कथकली को पुनर्जीवित करके बंगाल में भी कथकली को लोकप्रिय बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो ओडिसी जो है ये नृत्यों में एकल नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कथक ये जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कथक। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये एक देव नृत्य है। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। अगला प्रश्न है, नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो मणिपुरी का जो संबंध है नृत्य शैलियों में जो है मणिपुर का जो संबंध है ये उत्तर पूर्वी भारत से है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? तो केरल से संबंध है कथकली। कथकली जो है ये केरल से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध है? सितारा देवी का संबंध है? तो कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी का संबंध है तो कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है।